अमेठी में बुधवार को गौरीगंज थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता दीपक सिंह के बीच थाने में ही हाथापाई हो गई। पुलिस वालों के सामने दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद बीजेपी नेता ने विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 13 लोगों पर FIR दर्ज कराई। वहीं इस घटना पर अखिलेश यादव भी खुलकर सपा विधायक का समर्थन करते दिखे। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में विचित्र हाल है। अपराध में लिप्त भाजपाई थाने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस उनके लिए सुरक्षा कवच बनी खड़ी है। जनता तो छोड़िए, विधायक तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा जाता है, जहां न होती सुनवाई वहां होती हाथापाई। न्याय न मिलने की हताशा हिंसा की ओर ले जाती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं कौन, जिनके समर्थन में अखिलेश यादव खुलकर मैदान में आए हैं। तो स्थानीय लोगों के मुताबिक राकेश प्रताप सिंह शुरू से ही जोशीले नेता रहे हैं। राकेश का नाम 2021 में भी खूब चर्चा में रहा था, जब उन्होंने CM योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राकेश प्रताप सिंह ने योगी सरकार के कामकाज से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और समर्थकों के साथ अनशन पर बैठने का ऐलान किया था। तत्कालीन विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित को लिखे अपने पत्र में राकेश प्रताप सिंह ने कहा था, मैं वर्तमान सरकार के शासनकाल में जन समस्याओं के निस्तारण में खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूं। इसलिए मेरा विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जनता के प्रति उनका समर्पण रंग लाया। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्रा को 6,963 वोटों के मार्जिन से हराया था। राकेश प्रताप का जन्म 30 जून 1976 को अमेठी के गौरीगंज में हुआ था। प्रतापगढ़ से उन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई की। उनकी शादी शीलम सिंह से साल 1996 में हुई। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। राकेश प्रताप यूपी विधानसभा में 3 बार के विधायक रह चुके हैं। साल 2012 में उन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद नईम को 44,287 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने फिर से नईम को हराया, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन बढ़कर 77,915 वोट हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।